Good morning everyone. Now I am continuing the last chapter, that is chemical equilibrium. इसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. क्या क्या पढ़ा था कोई बताएगा? कुछ याद है? रिकॉल करिए. जोर से बोलिए, है ना. हमसे तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैडम आप जोर से बोलिए. आप लोग धीमे धीमे बोल रहे हैं ना. अब बताओ बताओ क्या क्या पढ़ा था, कुछ टॉपिक बताओ. फिजिकल में पढ़ा था, है ना. फिजिकल में भी जितने स्टेट के कन्वर्जन थे वो पढ़े थे हमने. उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ा था? केमिकल इक्विलिब्रियम भी पढ़ा था. उसमें क्या पढ़ा था? लॉ मास एक्शन पढ़ा था. ठीक है, अब आज हम क्या देखते हैं कि हमारा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम. ये नहीं पढ़ा है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम. और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमने किस तरह से निकाली थी ये भी देखा था, है ना. और जब आपका जो रिएक्शन है उसके मोल्स वेरी कर रहे हैं तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कैसे चेंज हो रहा है वो भी देखा था. ठीक है, अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम. सिस्टम भी होता है किस तरह का होता है? दो तरह का होता है. एक होता है होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम. और दूसरा क्या होता है? हेटेरोजीनियस सिस्टम. होमोजीनियस सिस्टम में क्या होता है कि जो रिएक्शन होता है वो सब एक ही स्टेट में होता है. ठीक है, जैसे गैसियस स्टेट है तो सारी स्टेट आपकी गैसियस होगी. और हेटेरोजीनियस सिस्टम में क्या होता है कि आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस ये तीनों स्टेट में से हो सकता है. ठीक है, तो होमोजीनियस सिस्टम क्या होगा? इन होमोजीनियस सिस्टम ऑल द reactants and all the reactants and the products are in same phase. समझ में आ गया? यह आपका reactant है और यह आपका क्या है? product है किसी भी reaction में. ठीक है, तो जो आपका रिएक्टेंट है वो भी एक ही फेज में, यदि गैस फेज में है तो प्रोडक्ट भी आपका गैस फेज में है, यदि लिक्विड फेज में है तो लिक्विड में है, सॉलिड में तो सॉलिड. ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो दोनों एक ही फेज में है. ठीक है, अब हेटेरोजीनियस सिस्टम में क्या होता है कि ऑल द रिएक्टेंट्स, सेम डेफिनेशन लिखिए, ऑल द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर नॉट इन सेम फेज, एक ही फेज में नहीं होते हैं. ठीक है, मान लीजिए आपका कोई है ए है रिएक्टेंट, उसका बी से हुआ और जो आपका पी प्रोडक्ट बना. ठीक है, तो ये आपका हो सकता है सॉलिड हो, ये गैस हो और ये आपका सॉलिड बन रहा हो. तो इस तरह से यहाँ पे हेटेरोजीनियस सिस्टम है, जो स्टेट है वो क्या है? डिफरेंट है. ठीक है, अब देखिए गैसीय सिस्टम में क्या हो रहा है. एक रिएक्शन को लेकर के हम चलते हैं, एक उदाहरण के तौर पे जो हैबर प्रोसेस था. हैबर प्रोसेस में मैंने क्या बताया था? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से रिएक्शन होता है और फॉर्मेशन किसका होता है? अमोनिया का होता है. ठीक है, तो हैबर प्रोसेस क्या है? N2 है,
ये भी गैसियस फॉर्म में है, प्लस आपका हाइड्रोजन है ये भी गैसियस फॉर्म में है, और ये आपका रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और फॉर्मेशन ऑफ क्या हो रहा है, NH3, ठीक है, राइट। इसमें ये भी आपको गैसियस में फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, और ये भी गैसियस फॉर्म में है। यदि कोई भी रिएक्शन आपका गैसियस फॉर्म में है या सेम फेज में है तो उसको हमें डिफाइन करने के लिए प्रेशर के फॉर्म में हम इसको डिफाइन करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। यदि गैसियस फॉर्म में है कोई भी रिएक्शन तो वहाँ पे क्या वर्क करता है, पार्शियल प्रेशर काम करता है, ठीक है। तो जैसे कोई भी आपका रिएक्शन है, उदाहरण के तौर पे AA प्लस BB और CC प्लस DB, ठीक है, कोई रिएक्शन है आपका A है, तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि सब गैसियस फॉर्म में है, तो इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इट इज कन्वीनियंट, यानी ज्यादा सहूलियत होती है, इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका आप निकालिए, अब मैंने कहा कि आप पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में निकालिए, ठीक है, प्रेशर के फॉर्म में आपको निकालना होगा। पार्शियल का क्या मतलब होता है, आंशिक रूप से, ठीक है, पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे केसी जो अभी तक चल रहा था वो किस फॉर्म में हो जाएगा, केपी के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका प्रेशर के फॉर्म में आप लिखेंगे तो ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट का पहले लिखेंगे, ठीक है, पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट का आपने पहले लिखा, उसके बाद क्या लिखा आपने, रिएक्टेंट का लिखा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को भी हमें मान ले रहे हैं ये वाई इक्वेशन, और हम जानते हैं फॉर आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हम क्या जानते हैं, और आइडियल गैस इक्वेशन क्या है हमारी, PV इज इक्वल टू NRT, है ना, PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। B क्या है हमारा, प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल्स, और R है गैस कॉन्स्टेंट, और T इज द टेम्परेचर। सबको मालूम है ना, बताने की तो जरूरत नहीं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यदि प्रेशर हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, N अपॉन V हो गया, ठीक है, और N अपॉन V क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। N अपॉन V इज द CRT, यदि हम टेम्परेचर आप कॉन्स्टेंट कर दें, और जो कंसंट्रेशन होती है वो किस टर्म्स में, मोलर कंसंट्रेशन है, इसकी जो यूनिट होती है मोलर कंसंट्रेशन, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर होती है, या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, आर हमारा कांस्टेंट है, यदि हम टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर देंगे तो ये हमने सी किसके के लिए निकाला है, गैस के लिए निकाला है ना, सी है कंसंट्रेशन है, इन सब की गैस है कि नहीं है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं,
ठीक है। यदि हमारा T कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट है ही है, गैस कांस्टेंट, T यदि कांस्टेंट हो गया, T कांस्टेंट हो गया, तो C को हमने इस फॉर्म में लिखा है, गैस के फॉर्म में, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ गैस की चर्चा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ द गैस, ठीक है। जो प्रेशर हो गया वो क्या हो गया, इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द गैस, ठीक है। अब हम इन सब के लिए इसी फॉर्म में ये लिखेंगे, ये जो P आया है, P इज इक्वल टू सी आर टी है ना, सी आर टी है, तो यहाँ पे जो P है उसके लिए हम सब में सी आर टी करके लिखेंगे, ठीक है। अब चूंकि गैस क्या है हमारी, ए बी सी डी, तो सबके लिए हमारा ए बी सॉरी यह सी डी ए बी लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको करेंगे और लिख लेते हैं हम ऐसे अलग से लिख ले, यहाँ पर पी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी इज इक्वल टू है कंसेंट्रेशन ऑफ सी आर टी, पी डी क्या हो गया कंसेंट्रेशन ऑफ डी आर टी, ठीक है। अब इतनी वैल्यू आप इनपुट करिए, ए क्या हो गया कंसेंट्रेशन ऑफ द ए आर टी, और पी डी क्या हो गया हमारा, ये सब गैस है, गैस ही तो है, ए बी सी डी है ना, गैस जो थी हमारी, गैस की जगह हमने क्या लिखते गए हैं सब जगह ए बी सी डी, अलग अलग जो गैस है, ठीक है, बी आर टी। अब ये जो वैल्यू चारों वैल्यू आ गई है इसमें आप इनपुट कर दीजिए पी की जो वैल्यू है, ठीक है, पी की वैल्यू आप इनपुट कर देंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन होगी सी सी आर टी का आर टी की टू द पावर सी और कंसंट्रेशन ऑफ द डी, फिर आर टी टू द पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द ए, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द ए की पावर ए आर टी टू द पावर ए विद कंसंट्रेशन ऑफ द बी एंड देन आर टी टू द पावर, यहाँ पर भी बी होगा और यहाँ पर भी बी होगा, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या है, आर टी कॉमन है, कॉमन निकाल लें, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमने आर टी को कॉमन ले लिया है और नीचे भी आर टी को कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाले में क्या हो गया, सी प्लस डी और यहाँ पे ए प्लस बी, अब नीचे वाले को हम ऊपर ले जाए तो माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। अब पूरा ये इक्वेशन आप सेम लिखिए, यहाँ तक का पूरा सेम लिखिए, ठीक है, और आर टी आपका नीचे वाला भी ऊपर चला गया, ठीक है, तो C प्लस डी माइनस ए प्लस बी आपका हो गया, इस तरह से ये इक्वेशन हो गई। अब ये क्या है, आपके नंबर ऑफ मोल्स है कि नहीं है, ये जो छोटे स्मॉल ए बी क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, इसको n के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना, क्या आ रहा है, जो सी डी क्या है वो डिफरेंस है, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट, ठीक है। और हम साफ साफ लिखने के लिए बाकी इक्वेशन सेम रहेगी, इसको लिखते चलिएगा, ठीक है, इतना पोर्शन पूरा आप लिखते चलिए ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया n के फॉर्म में हम लिखते हैं, ये आपका क्या है प्रोडक्ट है माइनस n, ये क्या है आपका रिएक्टेंट है कि नहीं, हो गया है ना। अब इसका क्या होता है, फिर लिखते हैं हम आर टी इक्वल टू, इसको डेल्टा एन आप लिख सकते हैं, दोनों का डिफरेंस क्या हुआ है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपका एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट,
बाकी इक्वेशन पूरी आप लिखते चलिए, ठीक है, बाकी इक्वेशन भी आप पूरी लिखते चलिए। अब ये हमारा देखिए क्या है, अभी तक हम पढ़ते आए हैं, ये पोर्शन हमारा क्या है, ये KC है हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, अब KC रख देंगे, ठीक है। ये इतना पार्ट पूरा क्या है, विच इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो जहां पर गैस के फॉर्म में है तो वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हमने KP के फॉर्म में निकाला है, तो KP और KC के बीच में जो रिलेशन है वो हमारा आ गया है, ठीक है। ये भी हो गया KC और ये हो गया KC, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी क्या आ गई, KP इज इक्वल टू KC RT डेल्टा L। जब हेट्रोजीनियस सिस्टम है, गैसियस फॉर्म में है, तो वहां क्या वर्क करेगा, पार्शियल प्रेशर वर्क करेगा, और जब पार्शियल प्रेशर होगा तो उस केस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो आप इस फॉर्म में निकालेंगे, सवाल आएगा कि इस तरह से आपको निकालना है, ठीक है। आइडियल गैस की इक्वेशन को आप फॉलो करते हुए ये आप निकालेंगे, समझ में आ गया। Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा n, डेल्टा n भी मैंने बता दिया है कि क्या है आपका, डिफरेंस ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। उसको यदि डेल्टा n नहीं याद है तो लिख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, बाद में भूल मत जाइए, पता चला उठा करके लेक्चर रख दिया आपने एक तरफ और अगले दिन आए तो सारा वॉश है कि क्या बताया था, पी क्या बताया था, आर, तो लिखते चलिए, जो जितना मैक्सिमम होता है लिखते चलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और डेल्टा एन क्या है, इन दोनों पर डिफरेंस है, ठीक है। और पी की यूनिट क्या होती है, पी की यूनिट होती है बार, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, बार होती है, और एक बार इज इक्वल टू क्या होता है, 10^5 पास्कल, 1 bar is equal to 10^-5 pascal। यही चीज अब हेट्रोजीनियस सिस्टम में भी देखते हैं, होमोजीनियस का तो समझ में आ गया कि एक ही फेज में था, गैसियस फेज में था, ठीक है। अब हेट्रोजीनियस सिस्टम में देखते हैं क्या होता है, एक इक्वेशन लिखते हैं, डेफिनेशन मैंने लिखवा ली है कि ना कि ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इन सेम फेज, एक ही अवस्था में नहीं रहते। एक हम देखते हैं उदाहरण, जैसे कि आपका है वाटर है, एग्जांपल इसके लिख लीजिए, वाटर है लिक्विड फॉर्म में है, तो ये किसमें चेंज हुआ, आपका गैसियस फॉर्म में चेंज हुआ, ठीक है।
उदाहरण देखें, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। इसमें जब आप वाटर में इसको डिजोल्व करिए एक्वस मीडियम में, तो ये क्या होता है, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड दोनों एक्वस फॉर्म में आ जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे कि है, ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। जब इसमें आपने एक्वस मीडियम में लिया, जलीय विलयन में इसको डिजोल्व किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो क्या होता है कि जो कैल्शियम है वो भी आपका कैल्शियम आयन के रूप में एक्वस मीडियम में आ जाता है और प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, ये दोनों आयनाइज हो जाते हैं। कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड दोनों ही आयनाइज हो गए। अब यहाँ पे तो ये सॉलिड फॉर्म में है और ये सब क्या है आपका, लिक्विड फॉर्म में है, तो यहाँ पे हेट्रोजीनियस फेस हो गई। और भी उदाहरण देखिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल वाइट पाउडर फॉर्म में होता है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में हुआ, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में हुआ। इसको आपने जब क्या किया, गर्म किया, गर्म किया तो ये किसने क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और प्लस क्या निकल गई आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। ये किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। तो ये भी हेट्रोजीनियस सिस्टम हो गया, है ना, सॉलिड फॉर्म भी है और आपका गैसियस फॉर्म भी है। अब इस केस में देखिए आप, जैसे मान लीजिए यही रिएक्शन है, इस केस में आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये वाला साइन लगा करके लिखेंगे, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपका ये हो गया, इसके बाद देन ये हो गया गैसियस फॉर्म में, ठीक है, और ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। अपना ध्यान से लिख लीजिए, बाकी कौन कौन सा स्टेट है छोटा छोटा, ये सॉलिड फॉर्म में है और वो गैसियस फॉर्म में है। और उसके बाद क्या है, ये कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन रिएक्टेंट, ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ठीक है, ये किस फॉर्म में है, ये भी आपका सॉलिड फॉर्म में है। और हमने लास्ट लेक्चर में कुछ आपको बताया था, याद है, कि जो आपके प्योर सॉलिड या लिक्विड होते हैं उन टर्म्स को आपको इग्नोर करना है, ये ध्यान है, ये लास्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये जो सॉलिड फॉर्म है, जो प्योर फॉर्म है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, इसको इग्नोर किया तो हमारा क्या आ गया, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया रिएक्शन का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। या फिर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि गैस का हमने देखा ना, प्रेशर के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, ये है गैस आपकी, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं इसको। तो कैसे लिख सकते हैं, के पी इज इक्वल टू पी कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप, एक क्वेश्चन लिखिए, छोटा सा बहुत आसान सा सवाल है, राइट द रिलेशन बिटवीन, अब ये मिटा दें हम, क्वेश्चन लिखिए, राइट द रिलेशन बिटवीन, राइट द रिलेशन बिटवीन केपी, केपी क्या हो गया आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
इन केस ऑफ पार्शियल प्रेशर है ना, जो गैस का रिड्यूस हो रहा है तब है। इन गिवन रिएक्शन राइट द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी इन गिवन रिएक्शन। ठीक है, आपकी एक इक्वेशन है, नाइट्रोजन है गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, और प्लस आपकी हाइड्रोजन है गैसियस फॉर्म में है, और क्या बना रहे हैं, NH3 बना रहे हैं, ठीक है। और दूसरा है सेम है आपका वाटर के साथ, इसका आपको आंसर देना है, ठीक है। और केपी और केसी दोनों की हम रिलेशन आपको बता चुके हैं, ठीक है। ये आपका पूरा चल रहा था, ये केपी हो गया। तो कितना हो गया,
चार। टू माइनस फोर क्या हो गया? माइनस टू हुआ कि नहीं हुआ? है माइनस टू हुआ। इसके बाद इसका क्या आया? ये है आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दो और प्लस एक, ये कितना हुआ? तीन हुआ, ठीक है। और माइनस ये है आपका नंबर ऑफ मोल्स वाटर का, टू है, तो ये कितना आया? थ्री माइनस टू वन आया, ठीक है। अब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा तो उससे हमें क्या फायदा हुआ, है ना? कोई भी रिएक्शन है उसका क्या क्या हमें उसका पता चलेगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया? क्लियर है? थोड़ा सा आप लोग ना प्रैक्टिस किया करिए, और जितनी चीजें पढ़ाते हैं उसको रिवाइज जरूर किया करिए। सिर्फ मेरे पढ़ाने नहीं, मैंने बताया ना, और भी जितने भी आपके सोर्सेज हैं, बुक है या आपका जो भी ई लर्निंग है, उसके भी थ्रू आप पढ़िए और प्रॉब्लम भी करिए। क्योंकि जब तक आप लोग सवाल नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, तब तक ये जो थ्योरेटिकल पार्ट भी है ना, वो भी आपको लर्न नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, बराबर इसको करिए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि बार बार रिवीजन करने के बाद ही जाके वो माइंड में सेट होते हैं। यदि सीरियसली आप लोग दे रहे हैं तो उसको कायदे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनेगा तो इट्स
मीन्स कि आपका रिएक्शन फॉरवर्ड है और आपका प्रोडक्ट कम बन रहा है, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है। क्या मतलब है? आप जैसे ही प्रोडक्ट बनाओ फटाक से आपका रिएक्टेंट बन गया, तो रिएक्शन क्या है आपका? बैकवर्ड रिएक्शन हो गया। तो ये क्या शो कर रहा है? प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन एंड कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तीसरा ये क्या बता रहा है? कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। पहला देखिए आप एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, पहला चले नोट हो गया, पहला चलते हैं। एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन इफ द वैल्यू ऑफ के, के का तो पता है ना कि क्या मैंने बताया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। यदि आपकी जो वैल्यू है के की, इफ द वैल्यू ऑफ के आपको क्या है, नहीं याद है तो लिख लीजिए यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इज लार्ज। यदि के की वैल्यू आपकी लार्ज आ रही है, इसका क्या मतलब है कि जो 10^3 है उससे भी ज्यादा है, ये साइन क्या हो गया? लार्ज का साइन है, ठीक है। 10^3 से भी ज्यादा है, ठीक है। 10^3 कितना हो गया आपका? 1000 से भी ज्यादा हो गया, ठीक है। यदि के की वैल्यू आपकी इतनी ज्यादा है तब इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज वेरी हाई, ठीक है। सब रटने वाली चीजें हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट वेरी हाई, यदि आपकी के की वैल्यू इतनी है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक उदाहरण भी देख लेते हैं, एक रिएक्शन दिया है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। 500 केल्विन से रिएक्शन हो रहा है और आपका ये बन रहा है, ठीक है, वाटर बन रहा है। यहाँ पे जो केसी की वैल्यू है, के या केसी आपकी सेम चीज है, ठीक है, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू यदि 2.4 × 10^47 है, तो आपका क्या हो रहा है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, यानी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका ज्यादा है। यदि केसी की वैल्यू आपकी बहुत ज्यादा है, जो हमने इतनी वैल्यू ली थी, इससे ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, ये वैल्यू है ना, तो यानी जो प्रोडक्ट है वो आपका ज्यादा बनेगा। फिर दूसरा पॉइंट लिखिए, ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट लिखिए, इफ द वैल्यू ऑफ, आप लिखते चलिए, If the value of KC या KC ही यहाँ लिख लीजिए, हर जगह KC आ रहा है। If the value of KC is intermediate, intermediate में क्या मतलब हुआ? बीच की वैल्यू है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू है। जैसे कि क्या दिया हुआ है, KC is equal to 10^-3 से लेकर के 10^3 तक है, इसके बीच में यदि आपकी वैल्यू है 10^-3 से 10^3 तक की यदि वैल्यू है, इसके इसका मतलब है इट मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स आर कंपेरेबल, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, अब यहाँ पे दोनों चीज आ गई, दोनों लगभग बराबर से बनेंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, यहाँ पे ऊपर की ये लाइन रिपीट हो रही है, ये वाली लाइन देख लीजिए, ठीक है। इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स आर कंपेरेबल,
उदाहरण के तौर पे हाइड्रोजन और आयोडीन का हम एग्जांपल ले रहे हैं, हाइड्रोजन है और प्लस आपकी आयोडीन है, ठीक है, दोनों ही गैसेस फॉर्म में है, मिलकर के क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। अब यहाँ पे जो केसी की वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, केसी इज इक्वल टू 57.0 एट 700 केल्विन। वैल्यू है आपकी 10^-3 से 10^3 तक के बीच की है वैल्यू, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट है दोनों ही लगभग समान रूप से बनेगा। फिर थर्ड पॉइंट देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ केसी इज लोअर, इफ द वैल्यू ऑफ, लिखते चलिए आप लोग, इफ द वैल्यू ऑफ केसी इज लोअर, लोअर है कम है, यानी कि इसका मतलब है ये 10^-3 से भी कम है, तब इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ, इट मीन्स कंसंट्रेशन और किसका होगा, कंसंट्रेशन किसकी होगी, अब यदि वैल्यू इससे भी कम है, 10^-3 से भी कम है तो अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इट मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाई, ये ध्यान रखिएगा। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, एग्जांपल इसका भी एग्जांपल देखते हैं, उदाहरण है आपका नाइट्रोजन है, गैसियस फॉर्म में है, प्लस ऑक्सीजन है आपकी, ये भी गैसियस फॉर्म में है, मिलकर के क्या बना रहा है, 2 NO बन रहा है, ठीक है, ये भी आपका गैसियस फॉर्म में है। और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है दैट इज इक्वल टू 4.8×10^-31 एट 298 केल्विन। वैल्यू कितनी कम है ना, -3 से भी कम है, और बिल्कुल ही माइनस चली गई, -31 है ना, तो इसमें क्या है कि जो आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट यानी इसकी जो कंसंट्रेशन है वो अधिक रहेगी। इसके लिए किताब में इस तरह से एक वो एरो लाइन के फॉर्म में भी बना हुआ है, एक एरो बनाया हुआ है, ये जितनी बात हमने कही है उसको शॉर्ट में इस तरह से डिफाइन किया गया है, एक एरो बनाया है जिसमें कि एक पॉइंट लिया है, उसको कह रहे हैं ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यहाँ की वैल्यू इन्होंने ज़्यादा दी है 10^3 दी है, और यहाँ की वैल्यू क्या दी हुई है, -3 दी हुई है, ठीक है। अब जब यहाँ पे और इनको क्या कहा है, इन्होंने रिएक्टेंट बोला है और ये आपके प्रोडक्ट है, ये आपका प्रोडक्ट है, जब ये वैल्यू क्या कहते हैं 10^3 की वैल्यू देखिए जब ज्यादा है, ठीक है, और के 10^3 से भी ज्यादा है तो ये जो प्रोडक्ट है इसकी कंसंट्रेशन देखिए बढ़ती जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये 10^3 है, कंसंट्रेशन कम है, इससे और इधर आई है तो और कम है, तो यानी जो रिएक्टेंट है इसकी जो है कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है, ठीक है, इसको इन्होंने शॉर्ट में डिफाइन किया है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जब ये केसी की वैल्यू -3 हुई तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा क्या रिएक्शन पॉसिबल है, रिएक्शन होगा है, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है रिएक्शन हो ही नहीं पा रहा है तो क्या समझ में आ रहा है कि रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, है ना, तो ये क्या वही तो चीज़ है, यही तो बता रहे हैं, प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, ये हमारा रिएक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक
ठीक है। और इसके लिए इन्होंने तीन वैल्यूज दी हुई है, केसी की वैल्यू दी है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि हमारा कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करेगा कि नहीं करेगा। और रिएक्शन वही अच्छा होता है जिसमें क्या बने आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अच्छा हो, है ना, वही तो अच्छा माना जाएगा। तो कहाँ होगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अच्छा, जहाँ पर इसकी वैल्यू 8×10³ से भी ज़्यादा हो, तभी प्रोडक्ट अच्छा बनेगा और तभी वो रिएक्शन आपको फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, अब डायरेक्शन से क्या समझ रहे हैं, दूसरा पॉइंट है प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, इतना तो क्लियर हो गया ना। सेकेंड देखिए, अब दूसरा है प्रिडिक्ट द डायरेक्शन, लेकिन जो बाकी स्टेज है उसको तो आपने डिफाइन नहीं किया ना, तो बाकी जो स्टेज है इक्विलिब्रियम के अलावा जो स्टेज है, ठीक है, उसको डिफाइन करने के लिए एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन द कंसंट्रेशन रेशियो क्या है आपका, वही जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये है आपका कंसंट्रेशन रेशियो जी, है ना, यही तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे। फॉर द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड कंसंट्रेशन QTN, ठीक है, या इसको आप ये भी बोल सकते हैं रिएक्शन QTN, ठीक है, which is represented by इसको किससे आप दिखाएंगे, या आप QC से भी दिखा सकते हैं, ठीक है, या आप सिर्फ Q से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये एक नया आपके लिए शब्द एंटर कर रहा है, इक्विलिब्रियम के अलावा की जो बाकी रिएक्शन की जो स्टेज है उसको आप किससे डिफाइन करेंगे, Q से डिफाइन करेंगे, और Q किसको डिफाइन कर रहा है, वही आपके जो कंसंट्रेशन का रेशियो है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, उसको ये डिफाइन कर रहा है। तो ये हमारा इसकी फॉर्मूला क्या हो गया, QC = ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट है, ठीक है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये ध्यान रखिएगा इक्विलिब्रियम के अलावा का ये रेशियो है। अब इसमें भी देखिए तीन स्टेजेस आ रही है,
इफ यदि आपका Q और K दोनों बराबर है, यदि आपका Q और K, K का क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, और ये Q आप अभी क्या आया है, कंसंट्रेशन क्वोटिएंट आया है, ठीक है। यदि ये दोनों की वैल्यू आपकी बराबर होती है, ठीक है, तब रिएक्शन किस तरह का होगा, आपका कांस्टेंट रिएक्शन होगा, यानी नो नेट रिएक्शन, यानी द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, द रिएक्शन इज इन रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, इसका क्या मतलब हुआ, नो नेट रिएक्शन, नो नेट रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा यदि दोनों की वैल्यू आपकी बराबर आती है तो, ठीक है, कोई भी रिएक्शन नहीं होता। अब यदि आपका क्यू इज ग्रेटर देन के, ठीक है, तो रिएक्शन, द रिएक्शन विल प्रोसीड, किस तरह का रिएक्शन होगा आपका, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन हुआ, कोई भी रिएक्शन होता है और ये आपका प्रोडक्ट होता है, ये वाला डायरेक्शन हो गया फॉरवर्ड और ये उल्टा जो हो गया वो क्या है आपका, बैकवर्ड। तो जब Q की वैल्यू आपकी ज्यादा आएगी तो आपका रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड होगा, और इसका जस्ट उल्टा, यदि K की वैल्यू ज्यादा आ गई, यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यदि ज्यादा है Q से, तब आपका रिएक्शन विल प्रोसीड क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन, अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो इट मींस कि आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अच्छा होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को किस तरह से निकालेंगे, किस तरह से लिखेंगे, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, वैसे अभी तक लिखते आए हैं लेकिन थोड़ा सा और आपको बता दें, इतना तो क्लियर हो गया ना जी, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी समझ में आ गया और ये भी आपके समझ में आ गया होगा, है ना, कि क्यू क्या है, इक्विलिब्रियम के अलावा की जितनी स्टेज है वो आपकी क्यू है, ठीक है, जब दोनों बराबर हो जाएगा क्यू और के, तब आपका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, और जब आपकी क्यू की वैल्यू ज्यादा होगी तब आपका रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड होगा, और जब के की वैल्यू ज्यादा हो गई तो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन हो, तो हमें किस पे फोकस करना है, के पे फोकस करना है कि ताकि हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, ठीक है। फिर कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, जो थर्ड मैंने बताया था एप्लीकेशन, कैलकुलेटिंग इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को, कैलकुलेटिंग कंसंट्रेशन, किस तरह से हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वी शुड नो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जो रिएक्टेंट है उसकी इनिशियल यानी प्रारंभिक जो कंसंट्रेशन है वो हमें पता होना चाहिए, कोई भी रिएक्शन है आपका, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो हमें जो रिएक्टेंट है इनिशियल, इसकी जो कंसंट्रेशन
ठीक है, तो लिखिए फर्स्ट वी शुड नो द इनिशियल फर्स्ट फर्स्ट वी शुड नो नो द इनिशियल इनिशियल मीन्स प्रारंभिक इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट राइट द बैलेंस्ड रिएक्शन ठीक है। यदि आपका रिएक्शन ऐसे ही दे दिया कोई भी क्वेश्चन दे दिया तो सबसे पहले चेक कर लिया करिए कि हमारा जो इक्वेशन लिखी हुई है वो बैलेंस फॉर्म में है कि नहीं है ठीक है। तो राइट बैलेंस्ड रिएक्शन राइट बैलेंस्ड रिएक्शन बैलेंस उसको कर लीजिए ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट कर लेती है देख लेना है कि हमारा रिएक्शन है ऐसा तो नहीं कि बैलेंस नहीं है। फिर एज्यूम फिर आप एज्यूम करिए एज्यूम एक्स इज क्या है एक्स इज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट ठीक है। एज्यूम आपने माना कि मान लीजिए हमारा ये एक्स है ठीक है ये अमाउंट ऑफ क्या है आपका रिएक्टेंट है एज्यूम आपने किया ये माना ठीक है कि एक्स क्या है हमारा अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट है जो रिएक्ट कर रहा है ठीक है। फिर क्या है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड उसके बाद क्या करना है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उन दोनों की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना होगा कैसे करना होगा फ्रॉम द स्टोइकोमेट्री ऑफ द इक्वेशन ठीक है। जो आपने जो बैलेंस की थी इक्वेशन उसको देखते हुए ठीक है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टोइकोमेट्री ऑफ द इक्वेशन जो आपने इक्वेशन बैलेंस की है उसके आपको क्या करना है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है ठीक है। राइट एक्सप्रेशन फॉर उसके बाद क्या स्टेप है राइट एक्सप्रेशन फॉर केटी केसी और केपी दोनों की आप उसकी इक्वेशन लिख लीजिए ठीक है। सब्स्टिट्यूट जब इक्वेशन आपकी लिख गई तो इस इक्वेशन में आप इनकी वैल्यू इनपुट कर दीजिए ठीक है। सब्स्टिट्यूट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स ठीक है। इक्वेशन लिखेंगे इक्वेशन के बाद जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू लिख करके फाइनली आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे ठीक है। एक उदाहरण देख लेते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा ठीक है। एक उदाहरण हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल एक आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है PCl5 ठीक है। क्या बनेगा PCl3 बनेगा और प्लस आपका PCl2 बनेगा। इनिशियल में स्टार्टिंग में यही स्टेप आप फॉलो करते जाइए जो इनिशियल है स्टार्टिंग में इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है
आपका रिएक्टर है, ठीक है। इसकी जो कंसंट्रेशन है स्टार्टिंग में 1 मोल, इनिशियल कंसंट्रेशन उसमें लिखा है ना, फर्स्ट वी शुड राइट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। इसकी कितनी है 1 मोल है, और इनकी भी कितनी है 0 है, और इसकी भी 0 है, ठीक है। इसकी कोई भी कंसंट्रेशन नहीं है। फिर उसके बाद जब इक्विलिब्रियम आया, एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन कुछ घटेगी कि नहीं घटेगी, घटेगी है ना, और इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो इसकी जो कंसंट्रेशन घटी वो मान लीजिए कि आपकी x घट गई, ठीक है, और इनकी है x बढ़ गई, समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। इनिशियल है ये इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था है, और जब रिएक्शन हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया, तब की ये स्टेट हो गई, ठीक है। अब केसी हम लिखेंगे, केसी क्या है, इक्वेशन आपको लिखनी है एक्सप्रेस का, और इक्वेशन आपने चेक कर ली थी बैलेंस है हमारी कि नहीं है, इक्वेशन हमारी बैलेंस है, ये तो चेक कर ली, और ये भी हमने एज्यूम कर लिया था x इज द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेड जितना हमारा अमाउंट रिएक्ट कर गया है उसको हमने x माना था, ये भी पॉइंट आपका हो गया, ठीक है। फिर क्या है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टोइकोमेट्री ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अब इसकी हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इक्वेशन आप लिखिए, क्या है आपकी PCl3 कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट हो गई, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब ये एक्सप्रेशन आपकी आ गई, ये इक्वेशन एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है। अब सारी वैल्यू लिखी हुई है, ये देखिए इक्विलिब्रियम पे ये वैल्यू ना, प्रोडक्ट की भी लिखी है, ये देखो ये आपकी रिएक्टेंट की भी लिखी है, ये आपकी प्रोडक्ट की भी लिखी है। अब ये वैल्यू आप इनपुट कर दीजिए, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आप ये वैल्यू आप इनपुट करिए, PCl3 की कितनी है x है, Cl2 की x है, और PCl5 की क्या है 1 minus x है। अब लिखो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये भी x हुआ, ये भी आपका x हुआ, ठीक है, और ये क्या हो गया 1 minus x हो गया। सबकी कंसंट्रेशन आपको ये थी, इसको आप करिए x square upon 1 minus x। यदि मान लीजिए कि आपका 40% रिएक्शन हुआ है, ठीक है, इफ x is 40%, आपका 40% रिएक्शन हुआ आपने माना, ठीक है, कोई भी आपको सवाल भी दिया जा सकता है कि इतना आपका रिएक्ट हुआ है, तो 40% का क्या मतलब हुआ आपका, ये 0.4 हो गया, ठीक है, 40/100 कर दीजिए, ठीक है, तो क्या हो गया 0.4 हो गया। अब x की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, है ना, हम मान के चल रहे हैं कि मान लिया हमारा कि इतना परसेंट रिएक्शन हुआ है, तो x की वैल्यू आ गई है, अब इसको लिख दीजिए यहाँ पर, x की वैल्यू लिख करके कैलकुलेट कर लीजिए, क्या है 0.4 का स्क्वायर अपॉन 1 minus 0.4, अब कैलकुलेट करके बता दो कितना आएगा, जो आंसर आएगा दैट विल बी इतने मोल पर लीटर हो गया।
7 आएगा, ठीक है 0.267। मैथ्स के यहाँ कितने लोग हैं, कोई प्रैक्टिस करो। मान लो अगर मैथ्स वीक होगी तो फिजिक्स नहीं बनेगा आप लोगों से। केमिस्ट्री में भी देखो कुछ ना कुछ मेंटल पार्ट रहते हैं, ये फिजिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए कैलकुलेशन की और स्पीड बढ़ाइए, अभी फटाफट करने की आदत डालिए। स्पीड होगी तभी काम बनेगा, नहीं तो यहाँ पे सिर्फ टाइम पास है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है रिलेशन बिटवीन के क्यू एंड जी। के भी आपको मालूम है, क्यू भी हमने बता दिया, और जी क्या है आपकी गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो अब इनके बीच में क्या रिलेशन है अब वो देखते हैं, ठीक है। सारे स्टेप आपके फॉलो हो गए, ठीक है। ये जो चीज नहीं समझ में आ रही थी एक एग्जांपल के थ्रू पूरा समझ में आ गया ना। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी लिख दिया आप लोग, रिलेशन बिटवीन के क्यू एंड जी। रिएक्शन क्वेडियंट, ठीक है, रिएक्शन क्वेडियंट, और जी क्या है आपका गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। अब इसके बीच में भी हम रिलेशन देखेंगे। यदि कोई भी आपका रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, उसमें यदि गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू, यानी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी से क्या मतलब है, जी डेल्टा मैंने हमेशा क्या मतलब बताया है, डिफरेंस है, ठीक है, गिब्स डिफरेंस ऑफ द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। डेल्टा से मतलब हमेशा समझिए कि ये डिफरेंस का साइन है। तो एक डेल्टा जी, जी की वैल्यू यदि आपकी इज इक्वल टू जीरो आती है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में उस रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी का जो डिफरेंस है वो यदि जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, इट मींस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। रिएक्शन किसमें है हमारा, इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है। यदि इफ डॉट से समझ रहे ना कि ऊपर तरी चीज रिपीट हो रही है, इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू हमारा नेगेटिव है, यदि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, कोई भी रिएक्शन लिखा हुआ है उसमें साइड में डेल्टा जी की भी वैल्यू लिख दी है और नेगेटिव में है, तब हमारा जो रिएक्शन होगा वो क्या हुआ, इट मींस द रिएक्शन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव, दैट मींस द रिएक्शन इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अब इनके बीच में एक इक्वेशन है, द रिलेशन बिटवीन
क्यू एंड जी, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन क्यू एंड जी, ठीक है, किसके थ्रू हम दिखा रहे हैं, एक इक्वेशन है उसके थ्रू है, क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू प्लस आर टी ln क्यू। दिस इज द इक्वेशन विच शोज द रिलेशन बिटवीन क्यू एंड जी। Q is the reaction coefficient and G is the Gibbs free energy. Delta G is equal to delta G initial state hai, which is equal plus RT ln Q. ln means log आपका है। Equilibrium पे क्या होगा? At equilibrium यदि आपका ये equilibrium है तो क्या होगा, डेल्टा जी आपका जीरो हो जाएगा, है ना। यदि इक्विलिब्रियम है, एट इक्विलिब्रियम मैंने क्या बताया है, डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन में डेल्टा जी आप जीरो रखते हैं, ठीक है, तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस आर टी एल एन क्यू, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में क्या होता है, क्यू और के आपका बराबर था कि नहीं था, है ना, तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसका क्यू के साथ भी रिलेशन आपने देख लिया, के साथ भी आपने रिलेशन देख लिया, इसको आप और भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस 0.303 RT log K, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशन आ गई, इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यदि आपको निकालना हो तो विच इज इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन आर टी। देख लीजिए ये मेरी इक्वेशन है आपकी, इससे आपको पता चल रहा है कि रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। दिस इक्वेशन शोज द स्पॉन्टेनियसिटी ऑफ द रिएक्शन, कि हमारा जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब यदि आपकी इफ डेल्टा जी जीरो की वैल्यू जीरो है, ठीक है, विच इज लेस देन जीरो, विच इज लेस देन जीरो, तो देन क्या होगा हमारा, इस इक्वेशन में आप रख दीजिए, यदि जीरो से भी कम है, माइनस के फॉर्म में है, ठीक है, तो क्या होगा, इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा। ये क्या मतलब हुआ, ठीक है, द रिएक्शन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रोडक्ट फॉर्म इन लार्ज क्वांटिटी, यदि आपकी के की वैल्यू लेस देन वन है, ये आपकी पहली कंडीशन है, ठीक है, तब आपका जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है।
और यदि दूसरा देखिए ए इज लेस देन जीरो सॉरी ग्रेटर देन जीरो डेल्टा जी की वैल्यू यदि आपकी जीरो से ज्यादा है देन क्या होगा ठीक है इसी इक्वेशन में सारी वैल्यू रख के चल रहे हैं यदि ये निगेटिव आएगी तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपकी इसकी वैल्यू है दैट विल बी लेस देन वन यानी कि आपका जो k है वो भी लेस देन वन होगा ये भी लेस देन वन हुआ ये भी लेस देन वन हुआ तो रिएक्शन आपका क्या हुआ यहाँ पे k क्या हो गया k इज ग्रेटर देन वन है यहाँ पे k क्या है लेस देन वन है ठीक है तो रिएक्शन क्या होगा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस नहीं होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में बनेगा ठीक है यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो लार्ज क्वांटिटी में बनेगा अच्छा प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बनेगा ठीक है वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया टाइम ली चटर्जी प्रिंसिपल पूछ ले तुम लोगों से दो लाइन का है ठीक है क्या होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम यदि कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है मान लीजिए कंसंट्रेशन है कोई भी रिएक्शन है उसकी कंसंट्रेशन है टेम्परेचर है प्रेशर है या कैटलाइस्ट है इन सब को यदि आप चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की भी वैल्यू है वो डिफर कर जाती है ठीक है यही क्या है आपका ली चटर्जी प्रिंसिपल है तो इसको आप लिख लीजिए ली आज हम डेफिनेशन बस देख लेते हैं कि ये क्या होता है कि
ली चेटरली प्रिंसिपल क्या कहता है, चेंजेस इन, चेंजेस इन कोई भी रिएक्शन होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे ही तो वो एग्जिस्ट करता है ना, कि उसका आपको देना पड़ेगा कंडीशन तभी होगा, और यदि आप उसमें थोड़ा भी परिवर्तन करते हैं तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यही सारे फैक्टर्स होते हैं जो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं। तो चेंजेस इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, प्रेशर, पोजीशन। देखिए यदि इनमें आपने कोई चेंज लाए, ठीक है, इन सारी चीजों में आपने परिवर्तन किया, चेंजेस इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या है, जो आपकी रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन है ना, या फिर जो रिएक्शन है उसका टेम्परेचर आपने कुछ चेंज किया, या उसमें या आपने प्रेशर में कोई चेंज किया, that can affect the position of equilibrium, affect the position of equilibrium of a reversible, of a reversible reaction. मैंने बताई है टेम्परेचर है प्रेशर है या आपने कैटलिस्ट एडिशन किया है, तो उससे जो आपकी इक्विलिब्रियम है उसकी पोजीशन में फर्क आएगा। ठीक है, अब ये कैसे कैसे फर्क आएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस पर बेस्ड भी आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल टुडे, नाउ थैंक यू।